अभी मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। मेरा एक एक लफ्ज सच्चा था, जैसे नूर के आंसू सच्चे। झूठ आपके भाई और भाभी बोल रहे हो, नूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा भाई मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैंने सारे रास्ते सोचा, अभी मैंने बहुत सोचा। नूर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मुझे पता। या मेरे अल्लाह, कितने तो अकल के अंधे हो तुम, अभी भी नूर के हिमायती बने हुए हो। अभी उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। हाँ, उसकी मजबूरी उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, जो तुम अपना सब कुछ बेचकर भी पूरे नहीं कर सकते, इसीलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। आपके अंदर आपके भाई की मोहब्बत बोलने लगी है। ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर बेटी मुजोर हो जाए तो बाप कितना मजबूर हो जाता है। और अशरफ भाई के चेहरे पर जो बेबसी थी, वो साफ पढ़ी जा सकती थी। आपको अपने भाई के चेहरे पे बेबसी नजर आ गई, और आपने नूर को बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते नहीं देखा। औरत के आंसू मर्द को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे मोहलिक हथियार होता है। नहीं, आप नूर से इतनी बदबू मांग क्यों हैं? जुनेद, बस अब तुम उसका ख्याल छोड़ दो तो अच्छा होगा। ख्वाबों के पीछे दीवाना वार भागती लड़की को कैद नहीं किया जा सकता। ख्वाब तो हर इंसान देखता है, ख्वाब देखना जुर्म तो है। बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन नूर जैसे लोगों के ख्वाब पूरे होते, जो तुम जैसों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती है। ऐसा नहीं हूं तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औरत अगर एक बार ठान लेना तो वो कुछ कर गुजरती है जिसके बारे में मर्द ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ठीक है, मैं भी साबित करके रहूंगा कि नूर के साथ जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूं नूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और जुनेद, कहीं जुनेद मेरे गले की भांस ना बन जाए। नहीं, जुनेद को तो मैं मक्खन से बाल की तरह निकाल कर फेंक दूंगी।